एसपी शिमला ने बताया कि प्रशासन इस मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास कर रहा है ताकि दोनों पक्ष बातचीत से विवाद को जल्द खत्म कर दें। हम प्रशासन से और सरकार से सिर्फ इतनी जिंदगी ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारी सामने ये घर में सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे जो टैक्सी यूनियन का जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम सतत का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं और इसमें जो दोनों पक्ष हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। एक जो है वो एस्पेक्ट है कि जिसमें बातचीत है, डायलॉग है, डिस्कशन है और दूसरा है जिसमें लॉ प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं और दोनों ही पक्षों के साथ अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ये है हमारा कि ये जो विवाद है और ये जो डिस्प्यूट है इसको हम डिस्कशन के द्वारा और बातचीत के द्वारा सुलझाएं। पूरी आशा है कि जिस तरह से अभी तक हमारी बातचीत हुई और दोनों ही एसोसिएशंस जो हैं वो हमारे साथ जो है पॉजिटिवली संपर्क में हैं और जो उन्होंने एश्योरेंस दी और जो हमने उनको एश्योरेंसेस दी हैं उन सबको जो है ध्यान में रखते हुए अब बहुत जल्दी ये जो विवाद है सुलझ जाएगा।